मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में शनिवार शाम दुष्कर्म में विफल होने पर युवती को जिंदा जलाकर मारने का प्रयास किया गया। गंभीर स्थिति में SKMCH में इलाजरत पीड़िता से मिलने देर रात पहुंचे जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। बता दें कि शनिवार को गंभीर हालत में युवती को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां स्थिति नाजुक होने पर रविवार की शाम परिजनों ने उसे SKMCH में भर्ती कराया। मेडिकल ओपी प्रभारी सुमन झा ने परिजनों के बयान पर प्रॉपर्टी डीलर के पुत्र राजा राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। परिजनों ने बताया कि घर में युवती के साथ उसकी बड़ी बहन का एक बच्चा व बच्ची थी। किसी बड़े सदस्य के नहीं होने पर राजा कुमार घर में घुस गया, छत पर बैठी युवती के पास पहुंचकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करते हुए शोर मचाने पर युवती के शरीर पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी, इससे वह गंभीर रूप से झुलस गई है। फिर दूसरे छत पर से देखा तो इसको फिर पानी पटा के हॉस्पिटल भी लाया हुआ। उसके बाद हमारी छोटी लड़की थी जरा पर गई थी, वही फोन किए थे कि मैं हॉस्पिटल में ही हूं, तो उसने कहा है वो और राजा जो था आपसे 10 गुना पैसा वाला है, आप केस सस्पेंड कीजिए, आपकी लड़की आपका प्रतिष्ठा है, इसलिए आप थाना में जाइएगा, केस में जाइएगा तो आपको सर्विस में भी जाना होगा कोर्ट में, इसलिए हमारे साथ डर के मारे केस नहीं कर पाएंगे। शाम में आया था सर, शाम में आया था, अरे सोने से पहले शाम में आया था वो लड़का, चार लड़का से आया, थोड़ा हॉस्पिटल घूम करके गया, खुशबू कुमारी कौन है तो कोई नहीं बताया, फिर भाग गया। अब उस एक लड़का बच गया था, थाना आए ना उस समय वो लड़का थाना के साथ, वो लड़का गया लेकिन थाना उसको कुछ नहीं किए, अरेस्ट हो गया वो लड़का नहीं। आप इसको इसका नंबर आप नंबर 30 घंटे के बाद 93-34 परसों रात में हुआ वो लड़का जो है फोन किया था हॉस्पिटल में, जहाँ से लोग चल रहे हॉस्पिटल से लड़का दिन में फोन किया था, मेरा बच्चा का प्रतिष्ठा जा रहा है सर, गर्दन से लेकर के पूरा तक आगे पूरा नहीं। आप पटना आ सकते हैं तो आप आ जाइए, नंबर दे दीजिए, नंबर आप दे दीजिए, आ सकते हैं तो फोन कीजिए और आ जाइए, हम पूरा इलाज इनका करेंगे और बेस्ट इलाज करेंगे। आप पटना तो आ सकते हैं ना, और तो पटना आइए, हम सब इलाज कराएंगे, टोटल इलाज कराएंगे। इनको पहचानते हैं अब तो एम्बुलेंस जी बताइए। मामला ये है सर, कल शाम में 7 बजे के आसपास घर पर, नहीं कल ही शाम में था, शनिवार के शाम में, शनिवार पहले इसे बोला चाली किया, बोला चाली काली ब्लाउज किया, अब फिर 5 मिनट के तुरंत 5 मिनट के बाद
इसका कथनानुसार कि पूरे शरीर पर मट्टी तेल डाल दिया गर्दन पर से, और गर्दन पर से मट्टी डालने के बाद सलाई मार दिया। पहला इन्फॉर्मेशन हमको हमारी बेटी दी कि ऐसे ऐसे मम्मी को और हमको पापा देखिए मोना मौसी से बोला चाली हो रहा है उस लड़का को, तो इसलिए हम इसका नंबर लगाया, किसका नंबर मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। उसके बाद 2 मिनट के बाद फिर वही बेटी हमारी कॉल कर रही है, 12-13 साल की है, वो बोली कि ऐसे ऐसे मोना मौसी को तो देह में आग लग गया। उसके बाद वो लड़का जो आग लगाया और तुरंत गेट के बाहर निकल गया। फिर दोबारा 2 मिनट के बाद वो लड़का पानी इस पर उछील दिया, देह पर आग लगे हुए में पानी उछील दिया। पानी उछलने के बाद पूरा शरीर फोंका निकल गया, उसके कारण और ज़्यादा तेज जो है हो गया। उसके बाद वो जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया हम लोग। सर यहाँ पे इलाज बेहतर मिल रहा है कि नहीं? नहीं बेहतर नहीं मिल रहा है, कितना सुविधा चाहिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको 24 घंटा से ऊपर मतलब होने जा रहा है, समझिए कि 24 घंटा लगभग होने जा रहा है, लेकिन कोई सुविधा ऐसा नहीं है। अच्छा पप्पू यादव जी अभी आए हैं जी, जो आपसे बात किए हैं, तो क्या लगता है उम्मीद क्या है आपको? बोले हैं तो उम्मीद तो है, वो तो हम उनको उतना डिटेल रूप में नहीं जानते हैं कि क्या उन बोले हैं, राय विचार दिए हैं, सरकार की तरफ से भी राय विचार आया है कि आपको पटना में इलाज कराया जाएगा फ्री में। न्याय की क्या उम्मीद लगती है आपको? न्याय तो अभी तक कुछ नहीं है कि बस पकड़ाया है, उसके अलावा समझे कि नहीं, अब हम क्या बोलने को, यहाँ मेरा पेशेंट देख रहे हैं जी। आप अपना शुभ नाम बताएंगे? नीरज कुमार है। अरे पप्पू यादव आ गए ना, कोई कुछ ना कर पाए, उनको प्रशासन का भी हेल्प चाहिए। ठीक है, हम अभी इस बात को अभी प्रशासन का भी 2 पद। मैं पप्पू यादव, क्या क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? बोले थे कि फोन करते थे, बोले घर पे फोन चलता नहीं था, अब हो गया था, बोले निकल जाए मत कर, नहीं तो मतलब बंद था, उसके बाद लड़का जो था, उसके लड़का लड़का है, तो उसके बाद लड़का यादव आप चुप रसूखदार लोगों के बच्चे हैं। आज मिडिल क्लास और आम लोगों की बच्चियों का जो आज शारीरिक शोषण जिस तरीके से हवस के शिकार के लिए किसी भी सीमा को लांघ, 3 महीने से ये थाना को कह रहे हैं कि मुझे जबरदस्ती अपने हवस का शिकार बनाना चाहते, पढ़ाई छुड़वा दिया गया इनको, और उसके बावजूद भी वो लड़का कई बार कमज़ोर परिवार होने के नाते उस बच्चियों को अपने हवस का शिकार बनाना चाहिए। बच्ची हमेशा उस लड़कों का विरोध किया, 2-2, 3-3 कंप्लेंट के बावजूद प्रशासन ने जिस तरीके से नाइंसाफी बरती, लापरवाही किया, और पैसे के कारण कभी भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। नतीजा हुआ परसों फिर से वो लड़का इनके साथ कुकर्म करना चाहा, और जब ये विरोध किया तो इसको जला दिया गया, और अब फिर धमकी दिया जा रहा है कि पैसा लेके मिल जाओ नहीं तो मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, यहाँ भी आके मारने का प्रयास किया, इतना बड़ा दुस्साहस। तो निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ कि ऐसे लड़के पर अभिलंब कार्रवाई हो, यहाँ सुरक्षा की मुहैया कराई जाए, और यदि यहाँ पर स्केम क्षेत्र में इसका इलाज संभव नहीं हो तो मैं पटना में पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बेटी की तरह इनके इलाज के लिए तैयार। इस न्यूज के सह प्रायोजक है जिया अभिनव प्रोडक्ट्स, प्लैटिनम अगरबत्ती, बाबा लहठी भंडार, इस्लामपुर रोड, मुजफ्फरपुर, चंद्रान IAS एकेडमी, मेकिंग योर करियर शाइन।
हल्दीराम खुचिया वाला चॉइस ऑफ इंडिया, लेडी प्राउड जियो जिंदगी बेहिचक, उन दिनों में टेंशन फ्री, नॉर्थ पॉइंट चिल्ड्रन स्कूल, वी वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस, रामा हार्डवेयर जवाहरलाल रोड मुजफ्फरपुर, सेंट जेवियर्स स्कूल, नेशनल इन स्पिरिट इंटरनेशनल इन स्टैंडर्ड्स, वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशनल एरिया नारायणपुर अनंत रोड मुजफ्फरपुर, VLCC गोला रोड मुजफ्फरपुर, हर घर की पसंद ग्रीन इंडिया, आपकी संतुष्टि मेरी पहचान, गोदरेज अप्लायंसेस सोच के बनाया है, बिरयानी दरबार वर्मा कॉम्प्लेक्स मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, प्लैटिनम चिल्ड्रन स्कूल, सेल्फ बिलीफ बेस्ट बिलीफ, जावेद हबीब हेयर स्टूडियो यूनिसेक्स सलोन मुजफ्फरपुर, नेशनल मेडिकल कॉलेज वीरगंज नेपाल। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।